गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो अंजना ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, मैं सारा काम कर चुकी हूँ और बिट्टू को रेडी करके स्कूल भेज दी हूँ। और बाबू को देखिए खेल रहे हैं यहाँ पे। देखिए बोल दो बेटा, हाय बोल दो। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो फुल वॉच करना, चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैं पहले अभी जा रही हूँ बाबू को मालिश करूँगी, उसके बाद रेडी जाऊँगी नहावा कर। आज बादल हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बारिश होगा। मैं आप लोग को बाहर चल कर दिखाती हूँ। देखिए बादल हुआ है, आज मौसम खराब लग रहा है। इनने देखिए खुशबू जी आ गई हैं, जो कि छुट्टी वाले स्कूल ले गई क्या? नहीं, छुट्टी है। छुट्टी है, तबीयत नहीं ठीक है? आओ फिर आ जाओ। फ्रेंड्स, अब देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाबू देखिए सो रहा है। और फ्रेंड्स क्या बताऊँ, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई और इतनी तेज आंधी आ गई है, आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना तेज आंधी आ रही है, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स कैसे पत्तियां सारी उड़ रही है। और इधर देखिए बहुत तेज बारिश आने वाली है। खेतों की तरफ देखिए, उस साइड में बारिश हो रही है हल्का हल्का। इतनी तेज आंधी आ रही है फ्रेंड्स, क्या है बताऊं। चक्रवर्ती तूफान की वजह से देखिए लोग फटाफट से जो भी सामान है उठा रहे हैं। सभी लोग भाग भाग के अपने घर के जो भी सामान है उठा उठा रख रहे हैं। खेतों में देखिए गन्ना, फ्रेंड्स देखिए इतना जोरदार आंधी बह रही है कि सभी लोग अपना ढक ढक के भाग रहे हैं जल्दी जल्दी से। देखिए बारिश हो रही है, लग रहा नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं बारिश में भीग नहीं सकती। देखिए अभी ज़्यादा आने लगी, सोची थोड़ी देर और रुकूंगी लेकिन अब तेज़ी से आने लगी बारिश। देखिए अभी बारिश शुरू हो गई है और देखिए देखिए उधर धुआं धुआं कितना हो रहा है बारिश में। घर में आग कर लो। देखिए फ्रेंड्स बूंदे पड़ रही है। देखिए अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बाबू सो रहा है और मैं आंगन भी ढकती हूँ। देखिए अब मैं स्टैंड लेके आई थी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए लेकिन बारिश आ गई। बाबू अभी तक सो रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यार से सो रहा है। देखिए वो देख सकते हैं किस तरह सो रहा है उल्टा होके। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो फुल देख लेते हैं पर लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अभी देखिए मैं आके नीचे कपड़े चेंज कर दी हूँ क्योंकि मेरे बाबू को बार बार मालिश करना पड़ता है तो तेल की वजह से सारी खराब हो जाती है। अभी देखिए बाहर कैसे है। देखिए नीम की सारी पत्तियाँ और जामुन की कैसे फैल गया है आंधी की वजह से। और बारिश भी अभी हल्की हल्की एक दो बूंदे पड़ रही है और बादल भी अभी। हम बाबू चिल्ला रहे इधर। फ्रेंड सारी पत्तियाँ झड़ जा रही है क्योंकि पतझड़ का भी अभी समय हो गया है तो सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, उसके बाद नया पत्ती निकलती है इस मौसम में। देखिए
दो तीन दिन में सारे नीम की पत्तियाँ झड़ जाएंगी, उसके बाद नए आएंगे। और जो देखिए यहाँ पे मुर्गा है चिल्ला रहा है, उसको देख के बाबू भी खुश हो रहे हैं क्योंकि बाबू किसी कहते हैं तो लगी थी बाबू को भूख में, पहले बाबू को खाना खिलाए। उतर जा बेटा यहाँ पे, नहीं रुके गए। हवा बह रहा है इसलिए लग रही है ठंड, तो मैं बाबू को लेकर जाती हूँ घर में, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है तो बाबू को तो आपको ऐसी लग रही होगी। पन्निया गिरा दी हूँ, देखिए क्योंकि आंधी को सारा कचरा घर के अंदर आ जाता है, इसलिए पन्नी गिरा दी थी और हमेशा टांगी रहती है। पन्नी इसको बोला जाता है क्या? मैं क्या बोल रहा फ्रेंड्स? देखिए आंधी को ऐसे बहुत ज़्यादा ही कचरा हो गया है, देखिए पूरा घर में तक आ गया है। तो अब मैं सारा साफ करूँगी, छत पर से भी साफ करके आ रही हूँ, तो अब मैं सारे नीचे का साफ करूँगी। देखिए देखिए इतना साफ पत्ती है पूरा, देखिए मैं साफ कर रही हूँ और हवा की वजह से फिर से आ जा रहा है। बाहर का और अंदर का पूरा साफ करने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए अभी मैं घर के अंदर से साफ करते आई हूँ और उधर देखिए बहुत सारा, कितना सारा पत्तियाँ, सारा पूरा गंदगी हो गया है, तो मैं सारा साफ करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए बकला है जो मेरे थाली में निकाल दिए, तो आप लोग को दिखाती हूँ कैसा होता है। देखिए यहाँ पे ये बकला, जो कि फ्रेंड्स मैं आज इसी के सब्जी बनाऊंगी, तो लेकर चलिए इसको छीलूंगी पहले। तो मैंने आधा ले ली हूँ और आधा रख ली हूँ क्योंकि ज़्यादा है, इसको छील के बनाते हैं फ्रेंड। इसके अंदर अभी मैं आप लोग को छील के दिखाऊंगी। बाहर बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोग हैं इसलिए बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे लोग हैं खेल रहे हैं इसलिए शोर मचा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम और लाइट जला के रखी हूँ, देखिए लाइट भी है। और फ्रेंड्स साल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आंधी और तूफान बारिश की वजह से ठंड लग रही है। और देखिए देखिए बकला जो कि मैं छील ली हूँ और लेके आई हूँ छत पे खाना बनाने के लिए, तो आप सब हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तड़का लगाती हूँ आज आंधी और तूफान से बहुत परेशान हो गई, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग बनाया जाए, इसलिए इसकी सब्जी बना रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए अभी मसाला डाल के भूज रही हूँ, मैं हल्के से पानी डालूंगी। अभी डाल रही हूँ नमक। तो बकला की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमेशा कच्चा पक्का मसाला का ही उपयोग करते हैं, और मेरे यहाँ आप बकला ही बोला जाता है, आप लोग इधर क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दी हूँ, तो मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और देखिए कितना अच्छा हुआ है, देखिए फाइनली फ्रेंड्स सारा खाना बन चुका है और देखिए कितना अंधेरा हो चुका है इधर।
ठंड भी लग रही है। चूल्हे के पास बैठी थी तो फ्रेंड्स चूल्हे का आँच लग रहा था। बच्चे लोग कोई भी अभी सोया नहीं है, सारे लोग नीचे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी मैं फ्रेंड्स सारा खाना नीचे लेके जाऊंगी, सभी लोग को खिला लूंगी, उसके बाद सारे बर्तन साफ करूंगी। फिर अगर बाबू सो गया ठीक, फिर बच्चे लोग को सुलाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। फाइनली फ्रेंड्स मैं सारा काम कर चुकी हूँ और देखिए बर्तन मांज के अभी आ रही हूँ और बाबू को सुलाई थी। बिट्टू भी सो गई है पर आवाज़ सुन के उठ गया, तो मैं इसको गोद में ली हूँ और देखिए कैसे ताक रहा है बाबू। भूख लगी है तो फ्रेंड्स ठंडी लग रही है, बारिश हुई तो ठंडी लग रही है, इसलिए बाबू को स्वेटर पहना के रखी हूँ। देखिए हो गया है, काम करते करते लेट हो गया था, कभी से सो रहा था इसलिए उठ गया है। तो अभी मैं इसको फिर से सुलाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखूँगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।